अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हमारा नाम लेने वाला तो कोई हो। एक सास डॉक्टर के पास गई। इसने डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवा दें कि इस मरतबा मेरी बहू का बेटा ही हो। दो बेटियां पहले हैं, अब तो बेटा ही होना चाहिए। डॉक्टर ने जवाब दिया, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। सास ने कहा कि फिर किसी और डॉक्टर का बता दें। डॉक्टर ने कहा कि आपने शायद बात गौर से नहीं सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं आता, मैंने ये कहा कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। इस मौके पर लड़की का ससुर बोला कि वो फलां लेडी डॉक्टर। तो डॉक्टर ने बात काटते हुए कहा कि वो जाली डॉक्टर होगा। इस तरह के दावे जाली, पीर, फकीर, हकीम वगैरह करते हैं, सब फ्रॉड है ये। अब लड़की के शौहर ने कहा कि इसका मतलब हमारी नस्ल फिर नहीं चलेगी। डॉक्टर ने कहा कि ये नस्ल चलना क्या होता है, आपके जीन्स का अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होना ही नस्ल चलना है ना, तो ये काम तो आपकी बेटियां भी कर देंगी। बेटा क्यों ज़रूरी है, वैसे आप भी आम इंसान हैं, आपकी नस्ल में ऐसी क्या बात है जो बेटे के ज़रिए ही लाजमी चलनी चाहिए। सुसर ने कहा कि मैं समझा नहीं। डॉक्टर ने कहा कि साहिवाल की गायों की एक मखसूस नस्ल है जो दूध ज़्यादा देती है, बिलफर्स इस नस्ल की एक गाय बच जाती है, तो परेशान होना चाहिए कि इससे आगे नस्ल ना चली तो ज़्यादा दूध देने वाली गायों का खात्मा हो जाएगा। तोतों की एक मखसूस किस्म बातें करती है, बिलफर्स इस नस्ल की एक तोती बच जाती है, तो फिक्र होनी चाहिए कि अगर ये भी मर गई तो इस नस्ल का खात्मा हो जाएगा। आप लोग आम इंसान हैं बाकी 6-7 अरब की तरह, आखिर आप लोगों में ऐसी कौन सी ख़ास बात है। ये बात सुनकर सुसर ने कहा कि डॉक्टर साहब, कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए। डॉक्टर ने इनसे सवाल किया कि आप अपने परदादे का नाम बताइए। इस मौके पर सुसर बस इतना कह सका कि वो मैं हूँ वो। डॉक्टर ने कहा कि मुझे पता है कि आपको नाम नहीं आता, आपके परदादा को भी ये टेंशन होगी कि मेरा नाम कौन लेगा, और आज उसकी औलाद को उसका नाम भी नहीं पता। वैसे आपके मरने के बाद आपका नाम कोई ले या ना ले, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। आपका नाम लेने से कब्र में पड़ी आपकी हड्डियों को कौन सा सरूर आएगा। अलामा इकबाल को गुजरे काफ़ी अरसा हो गया, आज भी निसाब में इनका जिक्र पढ़ाया जाता है। गंगाराम को मरे हुए भी काफ़ी साल हो गए, लेकिन लोग आज भी गंगाराम अस्पताल की वजह से गंगाराम को नहीं भूले। एदी साहब मर गए, लेकिन नाम अभी भी जिंदा है और रहेगा। गौर व फिक्र कीजिए, कायनात की सबसे महबूब तरीन हस्ती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर और उनकी आल मुबारक पर, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने बेटे अता फरमा कर वापस ले लिए, और एक बेटी से रहती दुनिया तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को पूरी दुनिया में फैला दिया। लिहाजा बेटी और बेटियों में हरगिज़ फ़र्क ना करें, बेटा अगर नेमत है तो बेटी रहमत है। उम्मीद करती हूँ ये सबक आमोज कहानी आप सबको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। शुक्रिया।